हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। एक चीज लोगों को बहुत कंफ्यूजन में रहती है कि भाई, मतलब जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे वो जब पेट्रोल या डीजल वो कुछ भी भरवाने जाते हैं, तो वो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो राउंड फिगर में नहीं भरवाते। लोग ज्यादातर भरवाते हैं कि भाई या तो 99, 100 का डलवाना है 99 का डलवा लेंगे, 200 का डलवाना है 199 का डलवा लेंगे, या फिर लीटर्स में भरवा लेते हैं। तो भाई मतलब बहुत लोगों को है ना ये चीज में कंफ्यूजन रहती है कि टाका वो लगा हैं लोगों को कि भाई पेट्रोल पंप वाले जो स्कैम, मतलब जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता, वो आज भाई हम चीज देखने वाले हैं। दो बोतल मैंने ले ली है अपने साथ, एक में भरवाऊंगा 99 का, एक में भरवाऊंगा 100 का। तो देखेंगे भाई कि किस में कितना आता है, कि क्या 99 में ज्यादा आता है 100 से, या 100 में ज्यादा आता है। तो वो चीज आज हम देखेंगे भाई कि क्या हिसाब किताब है। तो चलो भाई पेट्रोल पंप पे मिलते हैं अब जाके। पेट्रोल मैं देखो एक पहचान बना लिया भाई, ये दो बोतल मैंने ले ली है। पहले तो ये देख लो आप, दो बोतलें ये देख लो भाई, ये दो बोतल मैंने ले ली हैं। एक का ढक्कन लाल है, एक का ढक्कन नीला है। जिसका ढक्कन नीला है उस पे मैंने, देखो ध्यान से अगर आपको दिखे तो यहाँ पे लिख दिया है ₹100, इसमें मैं भरवाऊंगा 100 का। और जिसमें ये लाल है इसमें कुछ नहीं लिखा है मैंने, और इसमें 99 का भरवाऊंगा। ठीक है भाई, तो चलो पेट्रोल पंप आने वाला है, अब एक बार जरा भरवाते हैं इसमें तेल, आज देखते हैं अगर कुछ फर्क होता है या नहीं। बहुत लोगों के मन में वहम रहता है यार, के मतलब राउंड फिगर पे नहीं भरवाते, वो 1000 का भरवाना है, 999 का भरवाएंगे। आज फिर यार इस बात को क्लियर कर ही लेते हैं क्या हिसाब किताब है इनका। पहुंच गया हूँ भाई मैं पेट्रोल पंप पे। डीजल 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 तो सबसे पहले ही होता है। ये लो भाई मैं डीजल के यहाँ पे पहुंच गया, ये मैं गाड़ी करता हूँ बंद। क्या हाल है भैया के? लो भाई डीजल डीजल। आप कहोगे पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरवाओगे, नहीं बोतल है। कोरोना कहाँ जाके रुकवाओगे? नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। क्या मैच आ गया? हैं? मैच देख रहे हो क्या? मैच तो शाम को आता है ये तो। आज डबल है। अच्छा डबल है क्या? 89, 93, 95, 99 छोड़ दूँ? ना आपने 99.19 का ही हुआ है। 100 का एग्जैक्ट चाहिए मेरे को। फीड ना लगा सुना। अच्छा करवाते जब होता। अच्छा एक में 99 का करना है, दो बोतल है। इसमें 99 का करना है। मैं 101 का कर दूँ ना? हैं? 101 का कर दो इसमें। इसमें? चलो 101 का कर दो। हाँ इसमें 99.19 का है। अरे 16 फर्क पड़ रहे थे। 101 का है ना ये? एक सौ एक करेक्ट। इसमें 99.19 का आया था और इसमें 101 का। इनको बोतल को दोनों को रख दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई चलो चलते हैं अपने घर, एक प्लेन सरफेस पे रख के देखेंगे कि क्या हिसाब किताब बैठता है। ठीक है भाई, जब भारत या HP वगैरह इनसे भरवाता हूँ ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कुछ भी, तो यार गाड़ी में ना उतना पिकअप नहीं दिखता। इंडियन ऑयल के थोड़ा सा अगर मैं भरवाऊँ तो इंडियन ऑयल में थोड़ा सा पिकअप ज्यादा दिखता है।
पता नहीं ऐसा क्यों रीजन है, मतलब अगर भारत से डलवा रहा हूँ ना तो भारत के पेट्रोल में उतना पिकअप नहीं दिखेगा जितना इंडियन ऑयल के पेट्रोल में दिखता है। ये देख लो भाई, ये दोनों बोटल्स यहाँ पे रख दी आपके सामने, बिल्कुल जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। अब मैं एक बार इनको, अभी तो जैसे ये थोड़ी सीट है तो ये अनइक्वल है, अब इनको मैं घर जाके देखूंगा एक फर्श पे रख के, फर्श पे एकदम बराबर रख दूंगा और फिर देखूंगा। भाई घर पे मैं आ चुका हूँ और जैसे मैंने आपको कहा था मैं इसे प्लेन फर्श पे रख दूंगा, यानी 99.19 की तो ये थी और ये एग्जैक्ट 101 की थी। तो यार देखो मेरे को तो यार कुछ ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है इनमें दोनों में, ये 99.19 वाली भी मेरे को इतनी लग रही है और 101 वाली भी, हो सके तो थोड़ी सी 101 वाली ज्यादा है यार। ये देखो आपको ध्यान से दिखाता हूं मैं, ये देखो वैसे तो मेरे को तो भाई ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, मेरे को तो भाई बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं दोनों के दोनों, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको किसमें कितना दिख रहा है। एक और बार आप जूम का व्यू ले लो, ब्लू जिस पे 100 लिखा है उसमें 99.19 का डीजल है और इसमें 101 रुपए का डीजल है। भाई दोनों को आपको मैंने वीडियो में भी दिखा दिया था, ये देख लो भाई। भाई इसमें डाल देते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पेट्रोल क्यों नहीं लिया आपने, पेट्रोल क्यों नहीं लिया, तो भाई पेट्रोल मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आजकल मेरे पास इनोवा रहती है ज़्यादातर, ये स्विफ्ट पापा के पास ही रहती है तो जो मैं चलाऊंगा भाई उसी को तो देखूंगा ना, तो मैंने इसीलिए डीजल ले लिया। ये स्विफ्ट ज़्यादातर पापा के पास रहती है भाई आजकल, और होंडा चाचू के पास ही रहती है, तो इसीलिए मैं आजकल अगर ये चला रहा हूँ तो फिर मैं इसी को बढ़वाऊँगा भाई। अगर आप चाहते हो पेट्रोल का भी देखना तो आप कमेंट करके बता देना भाई, मैं आपको पेट्रोल का भी दिखा दूँगा। एक बोतल तो मैंने भर दी, ये रही भाई दूसरी बोतल, इसको भी डाल देता हूँ डीजल। हमारे घर में ना भाई ये सिस्टम रहता है कि चलाने वाले बहुत हैं, ठीक है, तो मतलब मान लो कि अभी मैंने ये अभी आजकल इनोवा मेरे पास है तो मैंने इनोवा में तेल भरवा दिया, आप ये 500-500 का तेल मत भरवाया करो, 500-1000 इसमें है ना गाड़ी एवरेज कम देती है। फुल टाइट कर दिया है मैंने, ये कर दिया है बंद, ये अपनी दोनों बोतल है भाई, ये देख लो। ठीक है भाई, ऐसी कुछ वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।